नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवारी स्थित यूको बैंक में हुई लूटपाट के मामले में फरार चल रहे दो अन्य अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में कोडरमा जिले के रूम डोमचार्ज का रहने वाला सुरेश पासवान और सरिया थाना क्षेत्र के पावापुर का रहने वाला मीतलाल यादव शामिल हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी मंगलवार की देर शाम को सरिया थाना इलाके से की गई है। दोनों सरिया के इलाके में एक स्थान पर शराब पीने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन लोगों के पास से लूट के 30,000 रुपए और एक चाकू बरामद किया है। बताया जाता है कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना पिछले कई माह से अपराधियों के द्वारा बनाई जा रही थी। लूटपाट का मास्टरमाइंड में एक ऐसे युवक का नाम सामने आ रहा है जो एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी का पुत्र है। बताया जाता है कि यह पुलिसकर्मी हजारीबाग के कोर्रा इलाके में फिलहाल रह रहा है और इस पुलिस पदाधिकारी के पुत्र ने ही इस पूरे लूटपाट की योजना पिछले दिनों कोर्रा के इलाके में एक सब्जी की दुकान पर बनाई थी। लूटपाट की योजना को अंजाम देने के लिए बिहार से अपराधियों को बुलाया गया था और इसी इलाके में पूरी रणनीति तैयार की गई थी। वही पुलिस के सूत्रों की माने तो कोडरमा के डोमचार्ज के रहने वाले सुरेश पासवान और सरिया पावापुर का मीतलाल यादव बताया जाता है, जिसके बाद सभी ने मिलकर सरिया नगर केसवारी स्थित यूको बैंक में डकैती की योजना बनाई। डकैती की घटना के बाद अपराधियों की किस्मत साथ नहीं दी और पुलिस की सक्रियता से जल्द ही गिरफ्तार हो गए। नवंबर को यूको बैंक केसवारी में हथियारबंद अपराधकर्मियों ने बैंक कर्मी को बंधक बनाकर लगभग 7,34,000 रुपये का लूट किया था। इस संबंध में यह कांड एक जीवंत उदाहरण है कि जागरूक नागरिक कैसे पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर अपराध की रोकथाम में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस तत्परता दिखाते हुए वहां पे पहुंचकर नागरिकों द्वारा जो भी इनपुट दिया गया कि अपाची मोटरसाइकिल लाल रंग की और ब्लू रंग की यूज़ हुई है और अटका की तरफ अपराधकर्मी कुछ अटका की तरफ भागे हैं, कुछ दूसरे दिशा में भागे हैं, इस पे तत्काल गिरिडीह पुलिस ने हजारीबाग पुलिस से समन्वय स्थापित किया एवं गिरिडीह जिला के सभी थानों में वाहन चेकिंग लगाया गया। इसी क्रम में बगोदर पुलिस ने इन लाल रंग की अपाची पे भागते हुए अपराधकर्मियों को इंटरसेप्ट किया, उसका पीछा करने लगे। पीछा करने के क्रम में वो लोग हजारीबाग जिला में घुसे और गोरहर पुलिस एवं बरकट्ठा पुलिस की तत्परता से उनको धर दबोचा गया। इसमें 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे और उनके पास से लगभग 4,05,000 रुपये बरामद हुआ था। हमारी टीम लगभग 4 टीमें अलग अलग जिला में एवं बिहार में छापामारी कर रही थी। इसी क्रम में कल हम लोगों को इस कांड में संलिप्त 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो पाई है, जिसमें पहला व्यक्ति है मीतलाल यादव, जिसकी ब्लू रंग की अपाची मोटरसाइकिल इसमें उपयोग हुई है और उसके बदले उसको 10,000 से 15,000 रुपये देने की बात थी, जो कि उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कबूला है। इसके अलावा हम लोगों ने सादे लिबास में हर जगह तैनात कर रखे थे लोगों को। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि मुख्य सरगना जो है इस पूरे प्रकरण का बाबू पासवान उर्फ सुदेश पासवान को देखा गया है। इस क्रम में भी पुलिस ने तत्परता दिखाया एवं इसको चेस करके हम लोग फिर पकड़े हैं इसको और इनके पास से लगभग 30,000 रुपये नगद एवं कांड में यूज़ हुआ चाकू बरामद हुआ है। आगे इस कांड में और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं, उन बिंदुओं पे गहराई से जांच चल रही है एवं छापामारी की जा रही है। वी टाइम न्यूज़ के लिए सरिया से राजेश पांडे की रिपोर्ट।